और कल से मुल्क भर के 13,000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिए जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, काफ़ी दिनों पहले ही स्ट्राइक की कॉल दे दी गई थी, क्या अभी तक कोई डायलॉग्स नहीं हुए कि इन्हें रोका जा सके? अब देखिए, डायलॉग तो हुए हैं। गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के वफद ने हुकूमती अरकान से मुलाकात की थी और उनपे तहफ़ुज़ात से आगाह किया था। ये जो बजट में इजाफी इनकम टैक्स पॉइंट 5% जो लगाया गया है, इसके खिलाफ डीलर एसोसिएशन जो है वो उन्होंने एहतजाज किया है और उनका कहना है कि अगर 0.5% लगाया गया तो फिर कारोबार ना करने के हम काबिल नहीं रहेंगे। तहम मुज़ाकरात नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद अब आज जो है मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे बैनर लगा दिए गए हैं और उनको हिदायत दे दी गई है कि वो सिर्फ रात 12 बजे तक पेट्रोल रखें, चूँकि कल से रात 12 बजे से जो है गैर मुद्दत के लिए जो है वो पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे, ताहाल जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते हैं। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल में हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्योंकि शहरियों को सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मुल्क भर में 13,000 से ज्यादा निजी पेट्रोल पंप हैं जिनको बंद करने का इंदिया दिया गया है। जी असगर, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और कोई